चुप रहो, आ जा आ। राम राम सबको, हमारी बिल्लो आ गई है, ये देखिए, आ जा बिल्लो, आओ। ये दूध पीने रोज डेली आ जाती है, इसका टाइम हो गया। बिल्लो आ जा, इसको दूध चाहिए भाई, आ जा। आ देख, इसमें देखते देखते देखो 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 कहाँ जा रही है, देखिए देखिए क्या कर रही है। दूध पिएगी, दूध दूध पिएगी, दूध चाहिए तुमको, बहुत देर में आई हो तुम रानी। ये हमारी बिल्लो रानी है, हमारी बिल्लो रानी, ये बिल्लो रानी है। और पता है आप लोगों को, इसके बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे भी हैं, तो अपने बच्चों को छोड़ के आती है दूध लेने के लिए, दूध पी के फिर ये चली जाती है और वहाँ फिर अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनको दूध देने जाती है, तो इनको दूध पिलाना पड़ता है हमको, तो ये बैठी हुई है इंतजार में, जल्दी से दूध दो, और दूध खत्म हो गया है ना, दूध खत्म हो चुका है, अब इनके लिए दूध स्पेशल इनको पार्ले जी मंगा खिलाएंगे, क्योंकि हमारी पहले वाली बिल्ली जो थी ना वो पार्ले जी खा लेती थी, अगर दूध नहीं हो तो उसको पानी में भिंगो के अगर पार्ले जी दे दें तो खा लेती थी, पर इनका नहीं समझ में आ रहा, इनका क्या किया जाए। ये देखिए, अब ये फुर्सत से बैठी है ना बिल्लो, तो ये देखो बिल, अरे बाप रे, ये फुर्सत से बैठी है, इनको ये देखो दूध दूध चाहिए, दूध खातिर बैठी है, दूध चाहिए इनका, इनका दूध पिए आई है, इनका दूध चाहिए। देखो कैमरा में देख लिया है, फेमस हो जाओगी तुम, कैमरा देखो है, अपने लड़का बच्चा भी लिवा लाया करो है, अपन लड़का बच्चा नहीं लाती है, अपने लड़का बच्चा वहां सामने वालों के यहाँ छोड़ाती है, है ये अब दिन भर यहीं रहेगी, ये दोपहर में आ जाती है। कल ऐसा हुआ, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, कल मैंने इसको, मैं गई पेड़ों में पानी डालने, ठीक है, मैं पेड़ों में पानी डालने गई, तो ये मेरे साथ साथ गई ऊपर, और छत में मैं इसको छोड़ आई, मैं दरवाजा बंद करके भाग गई है ना, मैं इसको दरवाजा बंद करके भाग गई, तो ये जो है ना बार बार जो है मैं बंद करके चली आई, मैंने सोचा कहीं ना कहीं से चली जाएगी, अपना जहाँ जाना होगा, लेकिन ये क्या करती रही, इसको कहीं से रास्ता नहीं मिला, कई लोगों की छतों में जा जा के वापस आ गई, और ये बार बार दरवाजा ठोक रही थी ऊपर से, और मैं सोची, मैं डर गई, मैं सोची पता नहीं कौन चोर और आ गया क्या, दोपहर में कौन चोर आ जाएगा है, दोपहर में भी चोर घूमने लगे हैं, चोर घुसाएंगे है, तो मैं क्या करी, फिर दोबारा गई मैं देखने, मैं और चिल्लाती रही, मैंने कहा कौन है, मैं अकेले थी, मुझे डर लग रहा था, फिर क्या हुआ, फिर मैंने देखा कि ये बैठी हुई है वहां पे मेरे इंतजार में कि आएगी दरवाजा खोलेगी, फिर मैंने दरवाजा खोला और फिर मैंने पेड़ों में पानी नहीं डाला था, मैं वापस आ गई थी कुछ और काम करके, फिर मैं जितनी देर पेड़ों में पानी डालती रही उतनी देर ये मेरा इंतजार करती रही, उसके बाद ये मेरे साथ वापस आई है नीचे है, तो ये देखिए ये डेली का नियम है इनका, ये जो है ना पता नहीं भगवान जी कहाँ से भेज देते मेरे घर में, मेरे घर में जीव जंतु बिल्ली बंदर कुत्ता गैया सांप बिच्छू सब आते हैं, तो मेरा घर तो ठिकाना है भाई, क्यों नहीं होगा। अब मेरे घर में बैठे हैं भोले बाबा, ये देखिए भोले बाबा बैठे हैं मेरे घर में, इसलिए मेरे घर में जीव जंतु जितने जीव जंतु हैं संसार के वो सब मेरे घर में आते हैं, है ना, असली जीव आवे चाहे ना आवे, है ना, उनकी हमें जरूरत भी नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक असली जीव है, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं नाम नहीं लूंगी, इंसानों से ज्यादा अच्छे तो आजकल हमारे जीव जंतु और पशु पक्षी हो गए हैं, तो मैं इन्हीं से दोस्ती करती हूँ और इन्हीं सबको प्यार करती हूँ, मैं सबसे दूर रहती हूँ। तो राम राम सबको, अब मैं जा रही हूँ इनको दूध देने, अब इनको जब तक दूध नहीं मिलेगा ये बैठी रहेंगी, मम्मी दूध देगी तब हमारी बिल्लो जाएंगी, मम्मी को दूध दूध बैठी है दूध लेने के लिए, दूध पीना है, जा रहे भैया इनका कुछ खाने का इंतजाम कर दें, है ना, ये बेचारी पेट देखो अंदर चला गया है कुछ यहाँ पेटे माँ, पेट एकदम को खाक नहीं देता है, बहुत राक्षस है आजकल के लोग हैं, देख तो कुत्ता बिल्ली इनका खाना को दई भाई,
आप लोग हम लोग नहीं देंगे तो ये जीव जंतु अगर संसार से खत्म हो जाएंगे पृथ्वी से, तो फिर क्या होगा, फिर दूसरे जीव जंतु बढ़ जाएंगे, वो हमको खाएंगे। तो इससे अच्छा भगवान ने जिन जीव जंतुओं को बनाया है उनको दाना पानी देते रहिए, ताकि हमारी भी रक्षा होती रहे और उनकी भी रक्षा होती रहे, है ना। तो मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मेरे दिल में बहुत दया भाव है सारे जीव जंतुओं के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी, सबके लिए दया भाव है। ऐसा नहीं कि मैं इंसानों से नफरत करती हूँ, मैं सबसे प्रेम करती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ भगवान सबको खुश रखे, सब लोग सुखी।